वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आपका अपना आदर याद, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, इस वक्त हम लोग क्यू सेक्टर में मौजूद हैं, क्यू थ्री में। हमारे कुछ ब्लॉक रखे हुए थे, यहाँ से हम लोग ब्लॉक उठा के जा रहे हैं अपनी दूसरी साइड पर, क्यू टू में जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ ब्लॉक कम पड़ गए हैं और ये नीचे का जो टैंक साफ कहता है, ये उसके ब्लॉक निकाले हुए। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या काम चल रहा है, मेरी आज की रूटीन क्या होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग जो वीडियो अपलोड करें वो आप तक खुद पहुंच जाए। शाबाश शाबाश, सारे उठा लो। ये कितने होंगे? 20-25 होंगे, 25-25 चीज़ होंगे, गिने थे मैंने। बस यही ब्लॉक है और नहीं है। एक वो रखा हुआ है सामने ब्लॉक, वो भी उठा लेंगे। 5 इंच का ब्लॉक है ये, 5 इंच का ब्लॉक भी तकरीबन इस वक्त 40 रुपये का चल रहा है। अच्छा, अभी जो है ना, अभी पैमार में कल रात में बारिश हुई है माशाल्लाह से, और बारिश के बाद जो है ना, एक तो पानी नहीं रुकता यहाँ पे और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, वो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तकरीबन ये होता है कि हफ्ते दो हफ्ते बाद जब पूरी जगह पे घास फैल जाता है ना, ये पूरा पीछे घास फैला हुआ है, तो मेहमान वाले यहाँ पर जो है ट्रैक्टर चलाना शुरू कर देते हैं। खुद अपने ट्रैक्टर लाते हैं वो लोग और पूरे प्लॉटों की सफाई कर देते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका होता है। अब ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सारे जो है ना घास, ये सब घास हो गई है यहाँ पर। और ये यहाँ पर भी यार एक वो ब्लॉक भी रखा हुआ है, दरख्त के बाद उठा लो। बस चलो, ये उसके बाद जो है इस पर ट्रैक्टर चलाया जाएगा। अभी हम जा रहे हैं क्यू टू की साइड पर, चलो। ये अभी हम लोग सीमेंट वाले रिक्शे पर जा रहे हैं अपनी क्यू टू वाली साइड पर। देख भाई, क्या हाल है और सब कह रहे हैं, मौसम कैसा हो रहा है? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा है, मौसम बेहतरीन है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है भाई का। अभी क्यू टू पे जा रहे हैं, यहाँ पर सारे ब्लॉक हमारे उठ चुके हैं, वो भी हमारी यहाँ चुनाई खत्म होने वाली है इंशाल्लाह। ये पीछे ये सामान है हमारा, काफी सोल्ड आउट कर रहा है। ये 4 इंची के ब्लॉक हमारे पर रखे हुए, 5 इंच के ब्लॉक कुछ कम पड़ गए थे। बस ये हमारे फ्रंट की अभी शक्ल निकल आएगी एक दो दिन में इंशाल्लाह। तो जनाब, अभी जो है ना, यहाँ पर बारीक रेती उठाई जा रही है, मतलब बारीक रेती भी ये लोग उठा चुके हैं, वो इसलिए कि कल को खुदा ना खास्ता बारिश हो गई तो इनका काम ना रुके अंदर, क्योंकि अंदर होगी तो रेती छानी जाएगी, बारीक रेती जब बाहर होती है ना तो रेती नहीं छानी जाती, ये चीज़ है। और ये बुजुर्ग बंदे हैं लेकिन रेती माशाल्लाह से इनका काम ही ये, तो ये काम कमर हो चुका है। ये अब ये देखिए, ये माशाल्लाह से बुजुर्ग बंदे हैं लेकिन काम इन्होंने मुकम्मल कर लिया है, इनका काम ही ये होता है रेती चढ़ाना, ब्लॉक चढ़ाना। और मौसम इस वक्त बेहतरीन हो रहा है माशाल्लाह से, फिर से बादल बन रहे हैं लेकिन अच्छे, हमने रेती उठा ली। अच्छा तो जनाब, इस वक्त जो है ना, अभी मैं छत पर आ चुका हूँ, इस पर कुछ चुनाई हुई हुई है, छत पे कुछ काम हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और माशाल्लाह से ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है, हल्का हल्का, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये छत के ऊपर बारीक रेती जमा हो चुकी है ताकि साइडें प्लास्टर की जाए। अच्छा, ये हमारे यहाँ पर डिज़ाइन बन रहा है, अभी ये ब्लॉक लगे हैं, ठीक है। ये हमारा पिलर ऊपर जाएगा, ये वाला पिलर ऊपर जाएगा और वो वाला पिलर ऊपर जाएगा, ये पूरा डिज़ाइन ऊपर जाएगा, सही है। इसके ऊपर छज्जा दिया जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे फाइनल होने के बाद कैसा लगता है। और एक ब्लॉक यहाँ से उठाया जाएगा, ये सामने से। तो जनाब, आज जो है थर्सडे है, मतलब आज जो है रात है और कल वैसे ही छुट्टी होती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम लोग चावल बना दें। अभी
कल हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब आएंगे, मतलब नीचे का फ्लोर पूरा मुकम्मल कर देंगे ना, ऊपर वाला ग्राउंड फ्लोर। चौकटें माशाल्लाह से लग चुकी हैं, ऐसे ऐसे काम हमारा सब वाइंड अप हो रहा है। और अभी आज मेरा दिन क्या गुजरा है, लेट उठा था मैं और अभी साइड पे आया, एक दो साइड पे गया, फिर आज यहाँ पे क्यू वाली साइड पर हूँ क्योंकि क्यू वाली साइड पे ज़्यादा काम हो रहा है। और दूसरी साइड पर जो है आर वाली साइड पे रोड़ी बिछाई जा रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगर मेरा वहाँ पर जाना हुआ है ना। तो ये हमारी रूटीन होती है। अभी आवाज़ चल रही है तो आपके सामने अभी ये चुनाई फिर स्टार्ट की जाएगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये पाँच रद्दे रख चुके हैं और जब ये सूख जाएगी फिर इसको फिर उठाया जाएगा। मिस्त्री साहब क्या करने पे उतर चंदे पे? सही है माशाल्लाह। यही जाती बंदे कितना देगी ना? चल ठीक है भाई, तेज मार जरा चेक करके ना। ओके 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 सही है सही है। चल ठीक है भाई ओके। अच्छा अभी जो है ना मैं आपको ये अपना फर्स्ट फ्लोर दिखा दूं कि रेती किस तरह से कहां कहां पर डाली जाती है। ये हमारी एक सारे मैं आपको ज़रा तारे दिखा दूं, एक दो चीज़ें दिखा दूं मैं आपको ना। अच्छा ये सब ये हमारा पैनल बॉक्स है यहां पर, ठीक है। और ये हमारी सारी मेन तारें आ रही हैं। ये इंटरकॉम की तार है, बहुत से लोग इंटरकॉम की तार नहीं डालते हैं, लेकिन इंटरकॉम की तार जो है डाल देनी चाहिए, यह फ़ायदा रहता है बाद में जो बंदा मकान खरीदता है ना उसके लिए आसानी रहती है। अच्छा ये यूपीएस की तार है, ये जो कलरफुल तार होती है ना ये हमेशा यूपीएस की तार होती है। ये अपना ये यूपीएस की तार है। ये माशाल्लाह से हमारी चौकटें लग चुकी हैं यहाँ पर और ये वायरिंग भी सब हो चुकी है, लेकिन कल आके यहाँ पर पाइपिंग की जाएगी और पूरी वायरिंग को ओके कर दिया जाएगा। मतलब कल जुमा है, कल तक इंशाल्लाह काम मुकम्मल हो जाएगा। और ये कोने पे हमेशा जो रेती डाली जाती है ना वो कोने पे डाली जाती है ताकि लोड ना आए छत के ऊपर। ये कोने पे रेती डाली गई यहाँ पर और वो कोने के ऊपर रेती डाली गई ताकि छत के ऊपर लोड नहीं आए। अच्छा अब ये जो चीज़ें हैं, अच्छा यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को बताता चलूँ कि नीचे वाला फ्लोर तो माशाल्लाह से हमारा प्लास्टर हो चुका है, अब जो ऊपर वाला फ्लोर है ना वो पहले बाहर से प्लास्टर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ताकि ये जो दीवारें हैं, ये ड्राइंग रूम की दीवार है, इसमें जो है ना सुराख ना आए, वरना वो निशान पड़ जाते हैं, सही से मज़ा नहीं आता प्लास्टर में ना, इसलिए बाहर से पहले प्लास्टर किया जाएगा बाहर की दीवार को, फिर इसको अंदर से प्लास्टर किया जाएगा। और चौकटें जो है अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये अभी इन्होंने हाफ हाफ भर दिए हैं, ये ऐसे ऐसा भरते जाएंगे। तो अभी तक ये हमारी रूटीन चल रही है, आधा दिन हमारा गुजर चुका है और रेती हमारी माशाल्लाह से ऊपर चढ़ चुकी है, चुनाई भी हो चुकी है, अच्छे खासे काम माशाल्लाह से अभी तक जारी है। और जहाँ पे अभी हमारा कच्चा चल रहा है ना वहाँ के लिए हम लोगों ने जाना है मंडी, सब्ज़ी मंडी, ताकि हम लोग ले सकें दीमक की दवाई, ये चीज़ें होती हैं सब कुछ। तो जनाब इस वक्त जो है हम लोग आर वाली साइड पर आ चुके हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 2:30 बज रहे हैं और मैं खाना खाने घर जा रहा हूँ। ये हमारे यासीन भाई जो मट्टी ज़्यादा हो गई है वो निकाल रहे हैं और कुछ और काम भी किया है वो मैं दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम यासीन। क्या हाल है, क्या कर रहे हो? मट्टी निकाल रहे हैं। सेट है। हाँ, रोड़ा बिछाना है ना। ये भाई हमारे रोड़ी बिछा चुके हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर रोड़ी बिछाई जाएगी फिर यहाँ पर लगाएगा धुरमुट। अच्छा इसमें दीमक की दवाई भी डालनी है कल सुबह जब कच्चा करो ना, ठीक है? सही है। अच्छा कल ये हमने टैंकी प्लास्टर की थी, ठीक है, टैंकी प्लास्टर की है तो आज ये लाइन का पानी आ रहा है, इसके अंदर जा रहा है, अच्छा खासा पानी माशाल्लाह आ चुका है और ये टैंक भी माशाल्लाह बहुत बड़ा ही है। अभी जो है मतलब ये आज इंशाल्लाह रोड़ी पूरी डल जाएगी अल्लाह ने चाह तो, ठीक है, आधी तो हो चुकी है। अभी मैं जा रहा हूँ घर, कुछ खाना मतलब खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद दोबारा साइड पर, मतलब हमारा चक्कर जो होता है ना क्यू और आर होता है, सम टाइम हमें मार्केट भी जाना पड़ता है यानी कि शहर की तरफ भी जाना पड़ता है, तो ये चीज़ है। वैसे शहर ये भी है लेकिन अब लोगों की तरह हमारी आदत हो गई कि कराची को अलग काउंट करते हैं हम लोग, मक्खियों का ये हाल है, हमारे मुंह पे मक्खियाँ आ रही हैं, मीठे बहुत है ना हम लोग, मक्खियाँ मीठे बहुत है ना हम लोग, नमक से मुंह धो के आना पड़ेगा। अभी चलते हैं घर, फिर वापस आएंगे, फिर देखेंगे, फिर छुट्टी का टाइम भी हो जाएगा, देखेंगे क्यू में कितना काम हुआ है और फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे हम लोग। हाँ साहब हंसी आ रही है मुझे। तो जनाब अभी हम लोग घर से आ चुके हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको ये हमारे यासीन भाई ने इस पर क्या काम किया हुआ है। हाँ भाई जान जल्दी करो काम, ये रोड़ी बिछाई जा चुकी है यहाँ पे टीवी लॉन्च में,
पीछे का कमरा हो गया, बस ये रह गया और ये ड्राइंग रूम रह गया। और ये माशाल्लाह से ये हमने आज इसमें पानी भी डाल दिया, कल इंशाल्लाह यहाँ पे होगा कच्चा। तो जनाब अभी जो है हम लोग क्यू सेक्टर में जा रहे हैं, वहाँ पे देखें क्या काम हो चुका है हमारा, ब्लाक व्लाक लग चुके होंगे, फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं हम लोग। तो जनाब इस वक्त जो है हम लोग क्यू सेक्टर में आ चुके हैं, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ क्या काम हो चुका है आज हमारा ना। अच्छा कराची में जो है फिर से बारिशों का बताया जा रहा है। अब देखना ये है कि पहले हमारे कुछ काम जो है वो रुक गए थे, अभी भी आज भी लग रहा था कि बारिश होगी लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं है, ये बादल हो रहे हमारे। अगर हमें 3 से 4 दिन मिल गए ना कल, तो वैसे फ्राइडे और कल काम नहीं होगा हमारा, मतलब हम चाल ज़रूर बनाएंगे नेक्स्ट डे की, लेकिन हमारा काम नहीं होगा। उससे अगले दिन अगर हमें चाल मिल जाती ना तो हम लोग साइड के प्लास्टर वगैरह ये सब काम हम लोग मुकम्मल कर देंगे इंशाल्लाह। और आज जो काम हुआ है वो मैं दिखा दूँ आपको और वीडियो को फिर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये टावर हमारा मुकम्मल हो चुका है माशाल्लाह, ठीक है। और ये चुनाई भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है, ये हमने लगाने थे 10 रद्दे मतलब के 10 ब्लॉक लगाने थे, 3, 3, 6, 3, 9, 10 ये मुकम्मल हो चुके हैं। 8 हम इसके लगाएंगे क्योंकि ये डिज़ाइन है। और ये पिलर ऊपर जाएगा, ये पिलर भी ऊपर जाएगा और वो पिलर भी वहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि हम ऊपर दे रहे हैं डिज़ाइन, तो उस सेफ्टी के लिए हम लोग ये सब दे रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं पीछे से जो है बादल भी बन चुके हैं यहाँ पर, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा काम जो है हमारा ऐसा ऐसा से वाइंड अप हो रहा है, यानी कि मकान की जो असल शक्ल निकलती है ना वो निकलती है जब हमारा फ्रंट एलिवेशन तैयार हो जाता है, प्लास्टर हो जाता है तो अंदर की शक्ल निकल आती है, और जब फ्रंट एलिवेशन तैयार होता है तो हर चीज़ वाजे नज़र आती है। अभी जो है हम लोगों ने 2-3 काम करने हैं यहाँ पर, वो मैं आप लोगों को बता दूँ छत पर क्या क्या काम होना बाकी है अभी। अच्छा ये पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये हमने ब्लॉकों के 3 रद्दे लगाए हुए हैं सामने, यानी कि ये 2 फीट हमने ज़मीन से उठा दिया, इस फर्श से 2 फीट उठाया। अब इसके बाद ये RCC टैंकी बनेगी, ठीक हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद सेकंड आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी अभी छत लगनी है, और इसके ऊपर डिज़ाइन बनेगा, वो तो बेहतरीन डिज़ाइन है, हम आपको दिखाएंगे, एलिवेशन हमारा इंशाल्लाह निकल कर आ जाएगा। और 2 से 3 दिन में ये काम भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा तो जनाब वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उन लोगों को अपना घर नसीब फरमाए जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है। और ये चीज़ के आज मैंने आपको दिखाया कि आज हमारा क्या क्या काम हुआ है, हमारी रोज़ की जो रूटीन होती है ना वो मोस्टली ये होती है, मतलब कभी 8 सेक्टर कभी क्यू सेक्टर, तो इस तरह की हमारी रूटीन है, मतलब कि काम वाम ये सब चल रहा होता है। मेरी कोशिश है मैं आपको प्रॉपर व्लॉग बना के दिखाऊंगा, जैसे आज की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि ये काम हुआ है, मतलब मैंने खुद आज क्या क्या काम देखा है, ये सब चीज़ें ना मैंने पूरा दिन आज क्या किया है। हाँ बाकी चीज़ें भी करेंगे कि कुछ चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा कि यानी जब हम प्लास्टर करते हैं तो मटेरियल में क्या रेशियो इस्तेमाल किया जाता है, चुनाई करते हैं यानी कि जब ब्लॉक लगाते हैं तो क्या मटेरियल यानी कि क्या रेशियो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, हर चीज़ की मैं अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि व्लॉग में वो चीज़ें प्रॉपर इंसान नहीं बता पाता। तो जनाब खुश रहिएगा हाँ, बल्कि खुश भी रखिएगा लोगों को, अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज।